जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश। आज इस वीडियो में देखेंगे 11th ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा एक्सरसाइज 15 सी का 12 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए साबित करते हैं इसको कि साबित कीजिए साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स का वैल्यू टेन थ्री एक्स होगा। तो कुछ नहीं करना, बस LHS लीजिए। LHS को फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आएगा। तो क्या है LHS? साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स बाई कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स। एक चीज मैं बताऊं, जैसे आठवां नंबर क्वेश्चन में बताया था कि अगर दो टर्म में हो तो पहले ज्यादा एंगल को लिखते हैं, बाद में कम एंगल को लिखते हैं। उसी तरह अगर तीन गो टर्म होगा तो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा एंगल को पहले लिखेंगे, उसके बाद सबसे कम एंगल को लिखेंगे, तब जो बच गया उसको लिख देंगे। क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा होगा कि साइन सी माइनस साइन डी जब करेंगे सी माइनस डी, तब माइनस में नहीं होगा और सवाल कहीं गलती होने का चांस ही नहीं बचेगा, है ना। तो ऐसा करता हूं, ऊपर में जहां सबसे ज्यादा एंगल है वो पहले लिखेंगे, तो क्या हो गया साइन फाइव एक्स, उसके बाद सबसे कम एंगल यानी साइन एक्स, तब जो बचा वो। उसी तरह नीचे का भी वही हाल, तो कॉस फाइव एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स। अब बस इन दोनों को और इन दोनों को फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, साइन सी प्लस साइन डी और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी, तो फाइव एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और प्लस में साइन थ्री एक्स के बट्टा में कॉस सी प्लस कॉस डी हो गया टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और प्लस में हो गया कॉस थ्री एक्स। ये हो गया टू साइन पांच और एक छ बट्टा दो तीन एक्स इंटू में फिर कॉस पांच माइनस एक चार बट्टा दो दो एक्स, प्लस में हो गया फिर से साइन थ्री एक्स के बट्टा में क्या सर, तो 2 cos 3x इंटू कॉस टू एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स। जरा सोचिए बट्टा से ऊपर के विषय में कुछ कॉमन है क्या, है साइन 3x यहां भी और यहां भी, तो ऊपर साइन 3x कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या, 2 बच गया cos 2x बचा, तो 2 cos 2x अब प्लस में यहां पे 1 बचा, फिर नीचे कुछ कॉमन, जी हां है ना cos 3x, तो फिर से cos 3x कॉमन, तो नीचे बचा 2 cos 2x, 2 cos 2x प्लस 1। देखो भाई जो यहां है ना वही वहां भी, तो कट गया sin 3x by cos 3x जो हो जाता है tan 3x, यही तो अपना RHS है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साबित करो sin 7x प्लस sin 5x एक साथ, फिर प्लस sin 9x प्लस sin 3x एक साथ बट्टा cos इतना बराबर बराबर tan 6x प्रूफ करना आपको। तो कुछ नहीं LHS लीजिए, तो LHS क्या है, साइन 7x प्लस साइन 3 साइन 5x, ठीक है, फिर प्लस में साइन 9x प्लस में साइन 3x के बट्टा में हो गया फिर cos 7x प्लस cos 5x, और प्लस में cos 9x प्लस cos 3x। अच्छा ऊपर देखो साइन सी प्लस साइन डी, कौन सा फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। चलो फिर साइन सी प्लस साइन डी हो गया टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। उसी तरह नीचे भी कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, फिर प्लस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। चलो भाई क्या हो गया, टू साइन सात पांच बारह बट्टा दो छ एक्स इंटू में कॉस एक्स, फिर प्लस में टू साइन नौ तीन बारह बट्टा दो छ एक्स और इंटू में कॉस थ्री एक्स के बट्टा में फिर टू कॉस सिक्स एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस टू कॉस सिक्स एक्स
इनटू में कॉस 3x। ऊपर कुछ कॉमन है क्या? देखो भाई दो यहां भी दो वहां भी, दो कॉमन, साइन 6x साइन 6x, साइन 6x कॉमन, तो बचा क्या यहां पे? केवल कॉस एक्स और प्लस में कॉस 3x के नीचे दो यहां फिर कॉस 6x, तो 2 कॉस 6x फिर से कॉमन, तो बचा कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। ध्यान से देखना, जो यहां वही यहां भी, और 2 के साथ 2, तो साइन 6 बाय कॉस 6 हो गया 10 6x। यही तो अपना RHS है।